फ्रेंड्स, आज मैं बकरे की कलेजी बनाने वाली हूँ। ये रहा हमारा बकरे का कलेजी, फेफड़ा जो भी इसमें होता है वो सब है। ये पक के तैयार हो गया हुआ है। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी कैसे कैसे बनाई हूँ। मैंने पहले से ही कुकर को गैस पे गरम करने के लिए रख दिया हुआ है। अब इसमें मैं 2 बड़े टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, बोलने में इधर उधर हो जाता है। ये तेल गरम हो गया हुआ है, इसमें है खड़ा गरम मसाला डालेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें से आप डाल दें। ये हमारे पास बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची है, उसको हम इसमें डाल दिए। ये थोड़ा सा जब चटकने लगे तो इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज को महीन बारीक बारीक काट के उसको इसमें हम डालेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। कलेजी को मैंने पहले से ही पीस पीस काट करके धो करके अच्छे से साफ करके रख दी हूँ। अब ये प्याज मेरा ब्राउन हो गया, इसमें अब कलेजी को डालेंगे। ये रहा कलेजी। अब कलेजी को मैं इसमें अब डाल दे रही हूँ। डाल करके इसको कुछ देर तक फ्राई करूँगी। जब इसका कलर चेंज होने लगे तब उसके बाद फिर मैं इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालूंगी। पहले कलेजी को 5-7 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसे अब हम डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। 2-3 मिनट तक मिलाएंगे, उसके बाद फिर हम इसमें पिसा हुआ मसाला डालेंगे। 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, और जैसे आप तीखा खाते हो या थोड़ा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। हल्दी इसमें ज़्यादा डालते हैं इसलिए, क्योंकि कलेजी पकने के बाद काला काला दिखता है, हल्दी ज़्यादा डालने पर कलर आ जाता है। और 1/2 चम्मच, आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा जीरा मिर्च, और जीरा मिर्च का मिक्स पाउडर है उसको हमने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही डाला है। इसको भूनेंगे। अच्छे से भून चुका है। इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। तीन मीडियम साइज का प्याज है। इसमें डाल करके अच्छे से मिला करके 1 गिलास पानी डाल करके इसको, मैंने पहले ही नमक डाल दिया हुआ था, आपने वीडियो में देखा ही होगा। इसे मीडियम आंच पे 2 सीटी आने तक रखेंगे। जब इसमें 2 सीटी आ जाए इसको गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। फिर जब इसका सीटी निकल जाए उसके बाद इसको हम देखेंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर दिख रहा है। इसको अच्छे से मिला लेंगे, 2-3 मिनट ही भूनेंगे। वैसे तो ये पतीले में भी बन सकता है, लेकिन कलेजी को पतीले में या कुकर में बनाएं स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, गोश्त के लिए पतीला बेस्ट है। पतीले में बनाने से धीमी आँच पे 1 घंटा तक बनाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। उसका भी रेसिपी मैं डालूंगी इंशाल्लाह। ये देखिए हमारा तैयार हो गया हुआ है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी बनाएं और खाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं और शेयर करें।